चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। चूचू का एक दांत हिल रहा था और वो उसे लेकर परेशान थी कि जब वो टूटेगा तो क्या होगा। माँ, मेरा दांत हिल रहा है, क्या ये टूट जाएगा? हाँ चूचू, तुम्हारा हिलने वाला दांत दूध का दांत है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, दूध के सभी दांत गिर जाते हैं। मैं अपने दूध के दांत का क्या करूं जब ये टूट जाएगा? तुम इसे चुतफेरी के लिए छोड़ सकती हो। वो इसे ले जाएगी और बदले में तुम्हें एक तोहफा दे देगी। कौन चुतफेरी? वो मेरे दांत के साथ क्या करेगी? वो इसे आसमान में ले जाकर उसे एक तारे में बदल देगी। तुम्हारा दांत चमकेगा और रात में रोशनी करेगा। चूचू टूथ फेरी के बारे में सोचती रही और उसने अपने हिलते हुए दांत के बारे में सोचना बंद कर दिया। उस दिन बाद में चूचू ने खाने के लिए एक सेब उठाया और जैसे ही उसने उसे दांत से काटा, उसका दांत टूट गया। हाँ? माँ, देखो, मेरा दांत टूट गया। चूचू और उसकी माँ ने उस दांत को धोया। तुम्हें ये दांत अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। जब तुम आज रात सोने जाओगी, चुतफेरी आएगी और इसे ले जाएगी जब तुम सो रही होगी। वो तुम्हारे दांत को एक सितारे में बदल देगी और कुछ ही समय बाद तुम्हारा नया दांत भी आ जाएगा। वो नया दांत मजबूत होगा और जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। सोने से पहले चूचू ने वो दांत तकिए के नीचे रख दिया। अलविदा नन्हे दांत, टूथ फेरी आएगी और तुम्हें ले जाएगी। मैं तुम्हें देखूंगी जब तुम तारे बन जाओगे। फिर चूचू को जल्दी ही नींद आ गई। जब वो सुबह जागी तो उसने देखा कि उसका दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ? उसने देखा कि उसके तकिए के पास एक तोहफा भी रखा है जो एक चमकीले कागज में लिपटा हुआ था। हाँ? यहाँ पर तो एक तोहफा है, पर ये किसके लिए होगा? चुतफेरी ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है चूचू। उसने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी है। सच में? चूचू ने जल्दी से उस तोहफे को खोला। उसमें एक खूबसूरत गुड़िया थी, उसके साथ एक अच्छा सा नया टूथ ब्रश भी था। कितनी प्यारी गुड़िया है, पर ये टूथब्रश भी बहुत अच्छा है। पता नहीं इस चिट्ठी में क्या लिखा है। फिर चूचू ने वो चिट्ठी पढ़ी। प्यारी चूचू, तुम्हारा दांत अब एक चमकता हुआ सितारा बन चुका है। उसकी जगह तुम्हारा एक नया दांत आ जाएगा। तुम्हें उसे मंजन करना होगा और बाकी सभी दांतों को भी अच्छे से, दिन में दो बार। तुम्हें दूध जरूर पीना चाहिए और खूब सारे फल और सब्जियाँ भी खानी चाहिए। यही सबसे बढ़िया तरीका है अपने दांतों का ख्याल रखने का। चूचू ने अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखा। उसने दिन में दो बार ब्रश किया और जब भी वो तारों को देखती तो ये सोचती कि उनमें से उसका दांत कौन सा है। एक दिन मिस डॉर्थी ने कक्षा में एक घोषणा की। बच्चों, कल स्कूल में चित्रकारी की एक प्रतियोगिता होने वाली है, तो तुम सबको एक एक आकार चुनना होगा और उन आकारों की मदद से कुछ चीजें बनानी होंगी। जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। मैं बनाऊंगी उन चीजों को जो है चौकोर।
और मैं बनाऊंगा वो चीजें जो हैं आयताकार। जो चीजें मैं बनाऊंगा वो होंगी अंडाकार। चूचू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सोच में पड़ गई थी कि कौन सा आकार चुने। चीकू चौकोर आकार की चीजें बनाएगी, चीका आयताकार चीजें बनाने वाला है और कसली की चीजें अंडाकार होंगी। मैं कौन सा आकार चुनूं? जब चूचू घर पहुंची, तो उसने अपनी माँ को प्रतियोगिता के बारे में बताया। माँ, कल स्कूल में चित्रकारी प्रतियोगिता है, मुझे वो चीजें बनानी हैं जो किसी आकार की होंगी। मैं कौन सा आकार चुनूं? चूचू की माँ बहुत मददगार थी, उन्होंने चूचू की समस्या सुलझाने में मदद की। चूचू, क्यों ना तुम अपने आसपास नजर घुमाओ और जरा देखो तुम्हें कौन सा आकार नजर आ रहा है, फिर तुम अपनी पसंद का कोई भी आकार बना सकती हो। अच्छी तरकीब है माँ। तो चूचू ने इर्द गिर्द देखना शुरू किया। ये टीवी आयताकार है, दरी है चौकोर और मेज पर रखा ये तरबूज है गोल। मुझे पता है मैं क्या बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी एक गोल तरबूज। चूचू, क्या तुम और चीजों के बारे में सोच सकती हो जो आकार में गोल हो और दिखने में भी अच्छी हो? चलो अब जरा सोच कर बताओ मुझे और थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, तुम उनमें से कुछ बना सकती हो। चूचू ने इसके बारे में सोचा और जल्द ही उसके दिमाग में बहुत सी गोल चीजें आ गईं। सूरज गोल है, चांद गोल है, केक और पिज्जा भी गोल होते हैं, स्कूल बस के पहिए भी गोल हैं और पापा की कार के भी। तो एक बच्चे का चेहरा भी तो अच्छा और गोल होता है। जिन गुब्बारों से हम खेलते हैं और जो आइसक्रीम स्कूप्स हमें पसंद है, वो भी तो गोल ही होते हैं। चूचू ने चित्रकारी प्रतियोगिता के लिए इनमें से कुछ चीजें बनाने के बारे में सोचा। फिर चूचू की माँ के पास उसके लिए एक और तरकीब थी। चूचू, गोल चीजें बनाने की बजाय क्यों ना तुम एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें बहुत सारी गोल चीजें हों। हाँ, एक चित्र जिसमें बहुत सी गोल चीजें हो। हाँ हाँ चूचू, चलो बताओ तुम्हें एक गोल केक कहाँ देखने को मिलेगा? गोल गुब्बारे, एक गोल पिज्जा, एक गोल चेहरे वाला खुश बच्चा और स्वादिष्ट आइसक्रीम के गोल गोल स्कूप्स। मुझे पता है, जन्मदिन की पार्टी में। अगले दिन चित्रकारी प्रतियोगिता थी। चूचू ने एक जन्मदिन पार्टी की तस्वीर बनाई जिसमें बहुत सी गोल चीजें थीं। गोल गुब्बारे, एक गोल जन्मदिन का केक, गोल स्कूप्स आइसक्रीम के, गोल पहिए ट्राइसिकल के, एक खुश दिल बच्चा गोल चेहरे के साथ, एक गोल पिज्जा जिसे सब बांट रहे हैं, और एक गोल सूरज जो आसमान में चमक रहा है। मिस डॉर्थी और जजेस चूचू के बनाए चित्र से बहुत प्रभावित हुए। आप सभी ने उन आकारों के चित्र बनाए हैं जिन्हें आपने चुना है और आप सबने ये बहुत ही अच्छा बनाया है, पर चूचू ने सभी गोल आकार के चीजों को एक जन्मदिन के सीन में दिखाया। इसके बाद मिस डॉर्थी ने जीतने वाले की घोषणा की। बच्चों, तुम सभी ने बहुत अच्छी चित्रकारी की है, पर चूचू ने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और अपनी चुनी गोल चीजों को एक जन्मदिन पार्टी के सीन में डाल दिया और इसीलिए जजेस ने चूचू को इनाम देने का फैसला किया है। बहुत अच्छे चूचू। चूचू का इनाम था एक गोल चॉकलेट से भरा डिब्बा। माँ, मैं अपना इनाम आपके साथ बांटूंगी। आखिरकार आप ही ने तो मुझे सोचने में मदद की थी और अपनी कल्पना से बनाने को कहा।
चूचू माँ के साथ चॉकलेट्स को बांटकर बहुत खुश थी और वो अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी कि उसकी माँ ने उसे सिखाया कि कल्पना का इस्तेमाल कैसे करना है। सेहत की जांच का सेहत है धन, सेहत है धन। समय है सेहत की जांच का, चल चल कराने जांच। हाँ सेब सेब लाल सेब, क्या चाहिए तुम्हें ये सेब।